वेलकम बैक खूबसूरती के रंग बिल्किस के संग के साथ, मैं आपकी होस्ट बिल्किस अली। जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि आपको हमारे जो ड्रेसेस हैं उसके बारे में बताऊंगी। मैंने कहा कि आज क्यों ना हम जेंट्स के ऊपर बात करें, क्योंकि मैंने जो भी आपको शुरू में शौहर के ऊपर ही सुनाया था। चूँकि शौहर जो होते हैं शादी के वक्त तो ज़ाहिर है बेचारे शेरवानी पहनते हैं, मगर क्यों बाद में भूल जाते हैं मुझे पता नहीं है। पहले वक़्त के जैसे हमारे वालिद थे हैं और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बेचारे पहनते हैं, मगर नए बच्चे आजकल बिल्कुल नहीं पहनते, मगर पहनना चाहिए। मैं अपने बेटे के लिए एक शेरवानी बना के लेके आई थी तो उन्होंने भी आज तक नहीं पहनी, मगर मैं चाहती हूँ कि पहने। तो वही मैं आपको एक शेरवानी दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग बच्चे अगर देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम तो ज़रूर देखें, और प्लीज़ आप लोग ट्राई करो बेटा पहनने के लिए। इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं हमारे पाकिस्तान में, बाकायदा अच्छी तरह से काम होता है पूरा, बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये और बहुत जैसे शहाना लगता है। कम अज़ कम ये जो ये एडिडास ये जो ट्राउज़र्स वगैरह, बस सिर्फ ट्राउज़र्स में देखा जाता है आप लोगों को। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं माशाल्लाह, वो शेरवानियाँ पहने, शलवार कमीज़ पहने, और क्या कहते हैं अच्छे अच्छे ईद के वक़्त जो चढ़ावे होते हैं वो पहने, जो शलवार कमीज़ के जैसे वेस्टकोट के साथ होते हैं, तो उससे हमारा अपना एक अपनापन नज़र आता है, हम लगता है हाँ हमारे बच्चे ये, वरना तो ये सब मिक्स हो जाते हैं राइट, और बस सिर्फ ट्राउज़र्स में जीन्स में नज़र आते हैं। तो हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, जैसे देखिए ये यहाँ पे भी ये लोग अपने प्रोग्राम्स में हेलोवीन में और क्रिसमस में और ये सब चीज़ें मनाई जाती हैं, तो हमें भी अपने कल्चर को रखना चाहिए कि किस तरह से हम अपना पहनावा पहनते हैं। एक फ़कीर बाबा का किस्सा मुझे याद आया कि एक फ़कीर थे जो कि एक नदी के किनारे बैठा हुआ था, और बैठे बैठे बस वो देख रहा था कि नदी बह रही है और वो बैठा है। अचानक एक आदमी आया और आके कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो कहने लगा वो बाबा कि मैं इसलिए बैठा हूँ कि जैसी ये नदी जब बह के ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसको क्रॉस करके वहाँ चला जाऊँगा पार करके। तो वो आदमी तो बहुत ज़ोर से हंसा और हंस के कहने लगा क्या कभी ऐसा हो सकता है? तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है मगर ये नदी कभी नहीं बहना ख़त्म हो सकती, तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये दुनिया ये नदी ख़त्म हो जाए और तुम क्रॉस करोगे? तो फिर वो जो फ़कीर बाबा होता है वो हंसता है और वो कहता है मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम क्यों कोई भी काम को बात के लिए छोड़ देते हैं कि नहीं हम कल से कर लेंगे, हम नमाज पढ़ना कल से शुरू कर लेंगे, हम ये अच्छा काम कल से कर लेंगे, क्यों नहीं आज से करें? क्यों इंतज़ार करें कि कल अगर हमारा ये काम ख़त्म हो जाए तो फिर हम ये हो जाएगा, हमारा वो काम ख़त्म कर ले तो हम ये कर लेंगे? नहीं, जो अच्छे काम हैं उसको क्या कहते हैं, कल करें सो आज और आज करें सो अब। तो भूलिएगा नहीं, जो भी नेक काम करना है, जो अच्छे काम करने हैं वो अभी से शुरू करने हैं, ठीक है? देखते रहिएगा मेरा प्रोग्राम खूबसूरती के रंग बिल्किस के संग के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।